नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाला महिंद्रा फार्म मशीनरी का राइस ट्रांसप्लांटर आपके लिए लाया है। घर बैठे डू इट योरसेल्फ वीडियोस यानी खुद बखुद ट्रांसप्लांटर में एडजस्टमेंट्स करने के आसान तरीके, जो कि इस वीडियो में और आने वाली कई वीडियोस में सरल तरीके से समझाए गए हैं। इन वीडियोस की मदद से आप घर बैठे महिंद्रा राइस ट्रांसप्लांटर की सर्विस अच्छे से कर पाएंगे। आइए इस वीडियो में प्लांटर आर्म को कैसे बदलना है उसके बारे में जानते हैं। 12 mm स्पैनर से क्रैंक आर्म के पिन डी के नट को खोले। पिन डी और नट को बाहर निकाले। 13 mm स्पैनर से बेल क्रैंक के नट को प्लांटर केस से खोले। हैमर और पंच की हेल्प से प्लांटिंग आर्म को बाहर निकाले। शाफ्ट ए में की को फिट करें। बेल क्रैंक के पिन ए में शिम को लगाएं और पिन ए को प्लांटर केस में और आर्म क्रैंक को शाफ्ट ए में फिट करें। आर्म क्रैंक के ऊपर पिन डी को लगाएं और नट लगा के 12 mm स्पैनर की हेल्प से नट टाइट करें। पिन ए में वॉशर और नट लगाएं और 13 mm और 10 mm स्पैनर की हेल्प से नट को टाइट करें। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने या सर्विस सपोर्ट के लिए हमें नीचे दिए कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके महिंद्रा साथी ऐप डाउनलोड करें। हमारे महिंद्रा अधिकारी आपको सर्विस सपोर्ट देने के लिए हमेशा तत्पर है।